तो गाइस क्या हो अगर आप हेलोवीन पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो तभी वहां पे सारे मैनिक्विंस यानी सारे हेलोवीन जिंदा हो जाए तो आप क्या करोगे। कुछ ऐसा ही होता है एक टीनेजर गर्ल सिडनी के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि ब्रुकलिन से ब्रिज होलो नाम के एक टाउन में शिफ्ट हो रहे होते हैं। इस फैमिली के अंदर तीन लोग थे, फादर हावर्ड, मदर एमिली और उनकी 14 साल की बेटी सिडनी। हावर्ड और एमिली इस शिफ्टिंग के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं लेकिन सिडनी अपने दोस्त को पीछे छूट जाने से खुश नहीं थी। लेकिन टाउन में एंटर करते ही सामने उन्हें हेलोवीन डेकोरेशन दिखाई देती है जिससे सिडनी काफी एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन उसके फादर हावर्ड जो कि एक साइंस टीचर होते हैं उन्हें हेलोवीन जैसे चीजों पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि वो भूत प्रेत जैसे चीजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। वो सिडनी को भी वैली क्लास के जगह पे साइंस स्ट्रीम में डलवा देते हैं जिससे सिडनी काफी नाराज होती है। अब वहाँ पे पहुँचते ही सिडनी अपने नए घर को एक्सप्लोर करने निकल पड़ती है। वहीं हावर्ड की मुलाकात उसके पड़ोस में रहने वाले सुलेमान से होती है जो कि हेलोवीन को लेकर काफी एक्साइटेड होता है। उसने अपने घर के बाहर ज़ॉम्बीज का डेकोरेशन किया था, वहीं पे वो हावर्ड को वेयरवुल्फ का डेकोरेशन करने को बोलता है जिस पर हावर्ड इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो इस सब पर विश्वास नहीं करता था। अब अगली सुबह वो शॉप को देखने जाते हैं जहाँ एमिली अपने बेकरी ओपन करने वाली थी क्योंकि उनको इस सब चीज पे काफी शौक था। खैर वहाँ उन लोग की मुलाकात टाउन की मेयर डेमी से होती है जो कि एक स्ट्रिंगी जैक की कहानी सुनाती है और कहती है कि स्ट्रिंगी जैक एक बहुत बुरा आदमी था जिसे गांव वाले परेशान होके फांसी दे दिया। और उसके बाद स्ट्रिंगी जैक टाउन के लोगों से हर हेलोवीन बदला लेने आता है और उसका मानना था कि साल के हर 365 दिन हेलोवीन जैसा होना चाहिए, यानी कि पूरे टाउन के अंदर ज़ॉम्बीज, मॉन्स्टर्स और डीमंस घूमने रहने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ टाउन को एक्सप्लोर करते हुए उनकी बेटी सिडनी ब्रिज होलो यानी कि कब्रिस्तान को एक्सप्लोर करने पहुंच जाती है जहां पे वो एक गेट देखती है। अब वो उस गेट को खोलती उससे पहले ही वो गेट खुल जाता है जिससे डर कर वो वहीं पे गिर जाती है। असल में उस गेट से टाउन में रहने वाले तीन बच्चे जिमनी, मोरा और मेनोरिया निकलते हैं जो वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने वाले ऐप को एक्सप्लोर करने आते हैं क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर काफी ज्यादा डेविएशन होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसको टेस्ट करने के लिए कब्रिस्तान से अच्छी जगह और कौन हो सकती थी। खैर वो तीनों और सिडनी को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे इंटरेस्ट होता है इसलिए वो दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद सिडनी अपने घर हॉर्थोर्न के बारे में बताती है जहाँ वो इस टाउन में शिफ्ट हुए थे। अब मैडन हॉर्थोर्न 20th सेंचुरी की महान जादूगर हुआ करती थी जो कि उसी घर में रहते हुए मारी गई थी। अब ऐसा कहा जाता है कि वो उसी घर में रहती है, कई लोग उनको विच वगैरह भी मानते थे। सिडनी हॉर्थोर्न नाम के हाउस में रह रही है ये सुन के वो तीनों बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि सिडनी और उसके पेरेंट्स बाहर से आए हुए होते हैं इसलिए उनको इन टाउन के बारे में कुछ पता नहीं होता। खैर अब सिडनी अपने घर आके आत्मा के प्रेजेंस को चेक करने के लिए डिसाइड करती है और वो घर जाकर वीजा बोर्ड के मदद से आत्मा को बुलाती है। अब वीजा बोर्ड के जो कर्सर होता है वो अपने आप मूव कर रहा होता है तभी उसके रूम के दरवाजा खुद पे खुद ओपन हो जाता है और उसके बाद एक एक करके कई सारे दरवाजे खुलने लगते हैं जिसको फॉलो करते हुए सिडनी अपने घर के स्टोर रूम में पहुंच जाती है और वहां पे उसको एक फोटो एल्बम मिलता है जिसको देखते वक्त अचानक से ही स्टोर रूम का दरवाजा बंद हो जाता है जिससे घबरा कर सिडनी पीछे मुड़ती है तो वो किसी सामान से टकरा जाती है जो कि सीधा एक लकड़ी के दीवार से टकरा जाता है जिससे वो लकड़ी की दीवार थोड़ी सी टूट जाती है। जहाँ पे जाके देखने पर सिडनी को एक संदूक दिखाई देता है और उस संदूक के ऊपर SJ 1927 लिखा हुआ होता है। अब उसे खोलते ही उसे एक हेलोवीन डेकोरेशन वाला पंपकिन लैंटर्न यानी लालटेन दिखाई देता है। सिडनी इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताती है पर वो लोग उसके बात पर ध्यान नहीं देते। खैर अगले दिन हावर्ड टाउन के स्कूल में ज्वाइन करता है एक साइंस टीचर के रूप में और उसी स्कूल के अंदर सिडनी भी एडमिशन ले लेती है जहाँ पे वो वही अपने पुराने दोस्तों को उस संदूक के बारे में बताती है और वो पंपकिन लालटेन के बारे में भी बताती है। लेकिन उसके दोस्त इस बात पर ध्यान नहीं देते और उसको हॉल ऑफ हॉरर में चलने के लिए इनवाइट करते हैं पर वहाँ पे वो जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा इसके लिए एडमिशन नहीं देंगे। बेसिकली ये एक हेलोवीन पार्टी का इन्विटेशन था जहाँ अलग अलग किस्म के मॉन्स्टर्स या
या फिर क्विट कॉस्ट्यूम वाले भी मॉन्स्टर आया करते हैं। अब घर पहुंचते ही सिडनी को लगता है कि उसे भी हेलोवीन पार्टी में जाना चाहिए और वो एक रबर के चमगादड़ यानी कि एक बैट को ले लेती है। और दूसरी तरफ उसकी मॉम हेलोवीन नाइट के लिए अपना स्टॉल प्रिपेयर कर रही होती है ताकि उस टाउन के लोग उसके बेकरी को देखेंगे और उसमें कुकीज खाएंगे ताकि उसको सेल करने में आसानी हो, उसको काफी प्रॉफिट हो। बेसिकली आप इसे प्रमोशन भी कह सकते हो। अब शाम को हॉवर्ड जब अपने स्कूल से लौट कर आता है तो रास्ते में उसे एक स्केलेटन मिलता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और उसके घर जाने पे उसके गेट पे एक रबर का चमगादड़ लटका हुआ मिलता है जिसको देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। और वो जो स्केलेटन था वो एक इंसान ही था जो कि स्केलेटन का भेष बनाया हुआ होता है। खैर अब वो रबर बैट को गुस्से में लेकर अंदर चला जाता है जहाँ उसे एक डिनर टेबल पे वही मिस्टीरियस पंपकिन मिलता है यानी कि वही लालटेन मिलती है जो कि सिडनी को मिली थी। और इस चीज को देखकर उसे सिडनी पे काफी गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पे सिडनी एक विच के गेटअप पे आती है। अब हॉवर्ड उसे गुस्से में हेलोवीन फेस्टिवल में जाने के लिए मना कर देता है पर सिडनी बात नहीं मानती और टेबल पे रखे पंपकिन लैंटर्न को जला देती है। अब उसको समझाते हुए हॉवर्ड उस लैंटर्न को बुझा देता है लेकिन वो लालटेन अपने आप फिर से जल जाती है। अब हॉवर्ड को यहाँ पे ये लगता है कि शायद से सिडनी का कोई ना कोई चालाकी है और इसलिए वो इस बार बहुत अच्छे से उस लैंटर्न को बुझा देता है और उसको डस्टबिन के अंदर डाल देता है जहाँ पे उसने रबर को चमगादड़ को भी डाल दिया था। लेकिन लेकिन वो कोई आम लालटेन नहीं थी बल्कि वो जादुई होती है। वहाँ पे लाल कलर की आग यानी कि मिस्टीरियस स्पेल निकलता है जिससे रबर का चमगादड़ जिंदा हो जाता है और घर के अंदर उड़ने लगता है। अब वो दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो चमगादड़ घर को तहस नहस करने लगता है और खिड़की के बाहर बाहर जो विचेस लगाए हुए होते हैं उसके हांडी में जाकर गिर जाता है जिससे हांडी एक लाल आग से भर जाती है और वो पूरी चुड़ैले जिंदा हो जाती है और हवा में उड़ने लगती है। यानी कि ये पक्का कोई ना कोई स्पेल था जो कि टूट चुका है। अब जहाँ जहाँ वो चमगादड़ जा रहा था उसके साथ वो लाल आग भी जा रही होती है और हेलोवीन वाले मैनिक्विंस यानी जितने भी पुतले रहते हैं वो जिंदा होते जा रहे थे और ये एक वायरस की तरफ फैलता जा रहा था। अब सिडनी भी ये सारी चीजें विंडो से नोटिस कर रही थी और ये सारी चीजें हॉवर्ड को बताती है लेकिन वो इस बात पे विश्वास नहीं करता। तभी उन लोगों के उनके पड़ोसी सुलिवन की आवाज सुनाई देती है। देखने पे ये पता चलता है कि उसके घर के सारे ज़ॉम्बीज भी होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं जिन्हें सुलिवन गोली से उड़ा रहा था। लेकिन तब भी हॉवर्ड को इन सब बातों पे भरोसा नहीं होता। तभी सुलिवन को बचाने के लिए सिडनी निकल जाती है तो वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब फाइनली वो लोग सुलिवन को बचा लेते हैं और उसमें रहने वाले मैडम हॉथोर्न के बारे में पूछते हैं तो वो उनकी बेटी विक्टोरिया के बारे में बताता है जो कि फिलहाल एक वृद्धाश्रम के अंदर रह रही थी और वो मैडम हॉथोर्न की पोती होती है। खैर वो दोनों विक्टोरिया को ढूंढते हुए वृद्धाश्रम की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए बहुत बड़ा स्पाइडर छत के ऊपर लगाया हुआ था। अंदर जाकर दिखाया जाता है कि विक्टोरिया काफी ज्यादा बूढ़ी महिला थी जिसके सामने काफी ज्यादा विनते करने के बाद उसे वो कहानी याद आती है और वो अपने दादी हॉथोर्न और स्ट्रिंगी जैक के बारे में कहानियां बताती है। वो बोलती है कि स्ट्रिंगी जैक हर एक हेलोवीन के नाइट उस पंपकिन के जरिए बाहर आ जाता था लेकिन उसे मिडनाइट होने वक्त उसे वापस उसी लैंटर्न में जाना पड़ता था पर वो हर रात हेलोवीन की रात बनाना चाहता था और इसलिए वो इसी दुनिया में रुकना चाहता है और अपनी जगह किसी और आत्मा को दूसरी दुनिया में पहुंचाना चाहता है। बेसिकली वो अपना एक सोल एक्सचेंज करना चाहता है और वो किसी और के बॉडी में रहना चाहता है। अब उसकी मनोकामना पूरा ना हो जाए इसीलिए मैडम हॉथोर्न ने डर के सारे साधुओं के साथ बैठ करके एक मंत्र पढ़ा जिससे वो उसी लैंटर्न के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गया। यानी कि हॉथोर्न उसी आत्मा को उस लैंटर्न में कैद कर चुके थे लेकिन सिडनी ने उसे खोलकर उसे जगा दिया और वहाँ पे एक शर्त ये थी कि अगर कोई भी इस लैंटर्न को जला देगा तो स्टिंगी जैक बाहर आ जाएगा और उसका कर्स भी बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली वो एक सॉल का पार्ट था जो कि सभी के सभी मैनिक्विंस को जिंदा कर रहा था और वो पूरी दुनिया को डिमोनिक और हेलोवीन
बनाना चाहता था। अब सिडनी ने तो ऑलरेडी उस लैंटर्न को जला दिया था जिससे स्ट्रिंगी जैक बाहर आ चुका था, और अब वो अपनी जगह किसी और आत्मा को दूसरी दुनिया में भेजना चाहता है, वो भी 12 बजने से पहले। और असल में वो पुतलों की जिंदा आर्मी बनाना चाहता है जिससे कि वो इस दुनिया में रहकर इस पर राज कर पाए। वो दोनों इस कहानी सुनकर वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक पुतला आकर सारे डेकोरेशन में जान डाल देता है और वहाँ पे सभी मकड़ी जिंदा हो गए और उनपे हमला करने लगे। तभी एक बड़ा सा मकड़ी हॉवर्ड को मारने आया, तभी सिडनी वहाँ पे आके उस मकड़ी को जला के वो मार डाला। अब इन सबको वापस भेजने के लिए एक मंत्र की जरूरत थी जो कि मैडम हॉथोर्न के किताब में लिखा हुआ होता है, और वो सब उन हॉथोर्न के किताब को ढूंढने निकल पड़ते हैं और वो उस आदमी के पास पहुंचते हैं जिसके पास वो किताब होता है, और वो देखते हैं कि बाहर काफी सारे मैनिक्विंस लगे हुए हैं। और वो उस आदमी के पास जाता है तो पता चलता है कि वो उसका प्रिंसिपल है। वो किताब को दिखाया, उसके बाद वो मंत्र पढ़ी, जिसके बाद वो सभी मैनिक्विंस जिंदा हो गए और उन लोग पे अटैक कर दिए, और तब उन मैनिक्विंस के साथ लड़ाई होने लगा। तभी हॉवर्ड ने गुस्से में आकर उन सबको मार दिया। इन सबको मारने के चक्कर में वो बुक जल जाता है जिससे सारा मंत्र बिखर जाता है, और उन लोग के पास सिर्फ एक ही कारण बचता है। वो मैडम हॉथोर्न को बुलाता है एक मंत्र के जरिए, और वो हॉथोर्न मैडम हॉवर्ड के शरीर में आ जाती है और वो उस मंत्र को बता देती है, जिससे वो लोग उस मंत्र को याद कर लेते हैं और वो निकल पड़ते स्ट्रिंगी जैक को वापस उस लैंटर्न के अंदर डालने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जब वो स्ट्रिंगी जैक को जलाने वाले थे, तभी वहां पे ढेर सारे पुतले आके उन लोग को घेर लिए और वो लोग उस मेले में आकर स्ट्रिंगी जैक को जिंदा कर दिए। अब इंसान को बदला करने के लिए उन्हें वही एक इंसान का सोल चाहिए जिसे स्ट्रिंगी जैक हॉवर्ड के पत्नी एमिली के पास आ जाता है। इधर एमिली जब खाना खा रही होती है तभी स्ट्रिंगी जैक आ जाता है एमिली को पकड़ के दूसरे दुनिया में भेजने के लिए, ताकि वो उसके सोल में घुस सके और वो उसके सोल एक्सचेंज कर सके। पर हॉवर्ड और सिडनी भी उस घर में आ चुके थे। तभी वहाँ पे बैट आ गया और वो सिडनी को परेशान करने लगा। तभी सिडनी उस बैट के साथ फाइट करने लगी और हॉवर्ड वो अपने पत्नी को बचा रहा होता है। तभी हॉवर्ड मैडम हॉथोर्न के मंत्र पढ़ता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा से मंत्र पढ़ता है और उस वक्त भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी सिडनी बताती है कि आप सच्चे दिल से इस मंत्र को पढ़िए, और वो पढ़ता है तो जैक पे असर होने लगता है और जैक उससे फिर से लालटेन के अंदर आ जाता है और उसके साथ बाहर सभी भूत नष्ट हो गए, और वो दोनों इस पंपकिन को लेकर एक बक्से के अंदर बंद कर दिया। सो दोस्तों, ये थी द कर्स ऑफ बीच होलो की कहानी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तब तक के लिए बाय।